हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी कैपिटल गुड्स के ऊपर, कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं अपनी फार्म के नेम से, तो उसकी एंट्री आप टैली में कैसे करेंगे, उनके लेजर्स आप कैसे टैली में क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पर मैंने दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख के आए, तभी आपको इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आएगा। तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उनका क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पर जो उनका क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। हो सकता है आपके पास इससे बेटर आइडिया हो, जो मैं आज आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और उनका जो सॉल्यूशन बताऊंगा उससे बेटर आइडिया अगर आपके पास है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो क्रिएट की थी कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग, तो वहां पर मुझे दो व्यूअर्स के कमेंट आए थे। सबसे पहले व्यूअर ने मुझसे ये पूछा कि सर, अगर मानकर चलिए मैं बिजनेस और सैलरी दोनों से अर्निंग करता हूं और मैं अपने बिजनेस के लिए कोई कैपिटल गुड्स परचेज कर रहा हूँ सैलरी की अर्निंग से, तो मैं उसकी एंट्री टैली में कैसे करूंगा और उसकी एंट्री कैसे होती है। तो मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन उसका रिप्लाई मैं लास्ट में दूंगा। सबसे पहले मैं जो सेकंड व्यूअर ने क्वेश्चन किया था जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं उसका रिप्लाई इस वीडियो में सबसे पहले दूंगा। तो उनका क्वेश्चन क्या था, उनका ये कहना था कि सर, मानकर चलिए मेरा जो बिजनेस है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी मैं कंप्यूटर या लैपटॉप सेल करता हूँ, ठीक है। तो उसमें से एक या दो लैपटॉप मैं अपने बिजनेस के लिए एज ए कैपिटल गुड्स यूज करना चाहता हूँ, तो उसकी एंट्री मैं टैली में कैसे करूँ। यानी उन्होंने जो परचेज किया है लैपटॉप वगैरह वो एज ए स्टॉक परचेज किया है, लेकिन अब उसमें से वो एक या दो पीस लैपटॉप एज ए कैपिटल गुड्स अपने बिजनेस में यूज करना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री टैली में कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बताऊंगा कि इसकी एंट्री टैली में कैसे करनी है। तो वो जीएसटी के अकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी मैं वो नहीं जानता हूँ, जीएसटी लॉ से एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो एंट्री है वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं एक प्लानिंग भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप एंट्री भी कर पाएंगे और साथ में जीएसटी लॉ भी उसे एक्सेप्ट करेगा। तो मैं ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेकेंड व्यूअर के क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एंट्री को छोड़ के मैं प्लानिंग की बात सबसे पहले कर रहा हूँ कि आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि आप उसे टैली में एंट्री भी इजिली कर सकते हैं एज ए कैपिटल गुड्स, और उसके बाद जीएसटी लॉ भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। सेकेंड एंट्री जो है उसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन इसे तो 100% एक्सेप्ट करेगा। ये प्लानिंग क्या है कि जिससे भी आप अपना लैपटॉप या जो भी परचेज करते हैं अपने फर्म के लिए, जो भी स्टॉक आप परचेज करते हैं उससे, जब आप अगर मानकर चलिए उस स्टॉक में से कुछ स्टॉक आप चाहते हैं कि मैं अपने फर्म में एज ए कैपिटल गुड्स यूज करूं, तो आप अपने फर्म से उस स्टॉक को मत निकालिए। आप जिससे परचेस करते हैं उन्हें कहिए कि एक सेपरेट बिलिंग करें आपके फर्म के नेम पर उसी स्टॉक की उतने ही क्वांटिटी से, और उसे आप एज ए कैपिटल गुड ट्रीट कर लीजिए, तो उसे जीएसटी लॉ कभी भी मना नहीं कर सकता है। मुझे जैसा लगता है कि उसे जीएसटी लॉ कभी मना नहीं कर सकता है। अब रही बात एंट्री की, एंट्री कैसे करनी है। मानकर चलिए आपने अपने फर्म में जो स्टॉक है उसमें से कुछ गुड्स को निकालना है एज ए कैपिटल गुड्स, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एंट्री दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पर सारी एंट्री करके रखी हुई है। मानकर चलिए जब आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं एज ए स्टॉक, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। परचेज वाउचर में जानते हैं, वहां पर इनवॉइस नंबर डालते हैं, इनवॉइस की डेट डालते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं यानी सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, परचेज का जो लेजर है वो सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो आपका आइटम है वो सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी रेट वगैरह डालते हैं, और जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी वो वहां पर सेलेक्ट करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लैपटॉप 5 पीस परचेज किया है 10,000 रुपये के रेट से, टोटल वैल्यू हो गई 50,000, और उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी 18% मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल की है, तो उसकी वैल्यू हो गई है 9,000 4,500 4,500, और टोटल वैल्यू हो गई है 59,000 रुपये इनवॉइस की। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैंने एक एंट्री की है क्योंकि मुझे इसमें से एक लैपटॉप यूज करना है एज ए कैपिटल गुड्स अपनी फार्म के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जर्नल वाउचर में जाना होगा। जर्नल वाउचर में जाने के बाद जिस भी डेट को मैं चाहता हूँ उसे एज ए कैपिटल गुड्स यूज करना, तो मैं कर लूंगा उसी डेट को एंट्री। यहाँ पर मुझे एक लैपटॉप का लेजर क्रिएट करना होगा, वहां पर वो स्टॉक आइटम था, यहाँ पर मुझे लेजर क्रिएट करना होगा क्योंकि कैपिटल गुड्स के केस में हम लेजर क्रिएट करते हैं,
तो लेजर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैं बाहर मोटा मोटी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए उस जो पुरानी वीडियो उसमें बता रखा है डीपली, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार आपको मोटा मोटी दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने लेजर क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे रखा है फिक्स्ड असेट्स में, जीएसटी को एप्लीकेबल किया है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में जो जीएसटी का रेट है, एचएसएन कोड वगैरह है वो सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। अगर आपको ये क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी जो ओल्ड वीडियो है जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ उसमें जो कमेंट आए थे जिसके कारण मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दिया 10,000, क्योंकि एक लैपटॉप मुझे 10,000 का पड़ा था विदाउट जीएसटी, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद डेबिट किया है इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को, अगर आपके केस में आईजीएसटी है तो आप उससे डेबिट करेंगे। और यहाँ पर मैं विथ जीएसटी की बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे बहुत से लोग आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, विदाउट जीएसटी की भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगा कि विद जीएसटी ही करें तो सही है, क्योंकि आपने ये परचेज नहीं किया है, आपने अपने स्टॉक में से निकाला है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप विथ जीएसटी करें तो सही रहेगा। उसके बाद टू में यानी क्रेडिट में करना है परचेज का लेजर। उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, वो अभी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने एंट्री पहले से कर रखी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा फिर जर्नल वाउचर में जाकर कि कैसी वो विंडो रहती है। एक येलो करके एक विंडो ओपन होती है, वहां पर सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। वहां पर आपको लैपटॉप का जो स्टॉक है उससे चूज करना है, क्वांटिटी डालनी है। मानकर चलिए मेरे केस में 1 पीस है तो मैं 1 ले रहा था, आपके केस में अगर 2, 3, 4 जो भी आप कैपिटल गुड्स की तरह यूज करना चाहते हैं आप उतनी क्वांटिटी ले लेंगे। वैल्यू डाल देंगे विदाउट जीएसटी जो 10,000 थी वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर जो हम क्रेडिट करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी को, क्योंकि हम यहाँ पर कैपिटल गुड्स में जो हम ला रहे हैं इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो हम एज ए कैपिटल गुड्स की तरह इसे आईटीसी क्लेम करेंगे गवर्नमेंट से, और वहां से हम जो हमने बिल में हमें लग के आई थी वहां से हम उसे रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसी एंट्री की है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक बार लैपटॉप कर लिया, मैं यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू डालता हूँ, मैं खाली आपको वो दिखा रहा हूँ कि वो विंडो कैसी आती है। यहाँ पर देखिए इस तरीके की ये विंडो आती है, यहाँ पर आपको अपना स्टॉक वगैरह चूज करना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया कि उसकी एंट्री कैसे करनी है विथ जीएसटी और आपको कैसे रिवर्स करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट वगैरह सब देख लेते हैं। जैसे देखिए बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो करंट लाइबिलिटीज में आप चलकर देख लीजिए, तो आपका जो क्रेडिटर है जिससे आपने जो लैपटॉप परचेज किया उसकी वैल्यू आपको 59,000 रुपये अभी भी दिखाई दे रही है। अंदर भी जाके आप देख लीजिए कंप्यूटर वर्ल्ड है 59,000 एज इट है वो वैल्यू। उसके बाद आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 9,000 रुपए टोटल दिखाई दे रहे हैं, 4,500 आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आपका अगर आपने स्टॉक से आईटीसी रिवर्स कर लिया है लेकिन आपने फिर उसे कैपिटल गुड्स में ट्रांसफर कर लिया है तो आपका एज इट बात वही रह जाएगी, तो आपको यहाँ पर वही रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम फिक्स्ड एसेट, यहाँ पर 10,000 की वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट हो रही है लैपटॉप की। करंट एसेट में आपको क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि अब आपका क्लोजिंग स्टॉक तो घट चुका है क्योंकि एक जो है आपका स्टॉक वो एज ए फिक्स्ड एसेट यूज हो रहा है बिजनेस में, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और आपका परचेज भी 40,000 रुपये हो चुका है, यहाँ पर एक रिवर्स की एंट्री हो चुकी है अंदर में, आप देख लीजिए अंदर चल के आप देख सकते हैं 10,000 की रिवर्स की एंट्री हो गई है। अब इसके बाद अगर हम देखना चाहें GSTR2 तो वो भी हमारा एजिट रहेगा, क्योंकि अगर हम कैपिटल गुड्स की जो ITC क्लेम करना चाहेंगे तो वो हमें वहीं रिफ्लेक्ट होगी। अगर मानकर चलिए आपने नॉर्मल परचेज भी किया होता तो वो भी आपको वहीं रिफ्लेक्ट होती, तो वो एजिट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 50,000 और 9,000 आपको ITC रिफ्लेक्ट हो रही है। फ्रेंड्स अब हम सेकेंड केस ले रहे हैं जिसमें कि आप जो फिक्स्ड एसेट अपना यूज करना चाहते हैं अपने स्टॉक में से उसके ऊपर आप ITC क्लेम नहीं करना चाहते हैं, विथ GST उसे लेना चाहते हैं, और फाइनली जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो आप पूरे वैल्यू के ऊपर विथ GST की वैल्यू के ऊपर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन सिर्फ चार्ज करना चाहते हैं, तो इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या क्लियरली तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप बिना ITC क्लेम किए एंट्री करना चाहते हैं यानी विदाउट GST एंट्री क्रिएट करना चाहते हैं टैली में कैपिटल गुड्स की, तो आपको क्या करना होगा, आप चाहें तो जर्नल वाउचर में नॉर्मल एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो है अगर आप नॉर्मल एंट्री कीजिएगा तो इसका इफेक्ट आपको GSTR3 भी और GSTR2 में नहीं पड़ेगा। जब आप इस तरीके से मार्किंग करके कीजिएगा रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह तभी आपको इसका इफेक्ट आपको GSTR3B और 2 में पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप ऐसे एंट्री करेंगे तो आपको बैलेंस शीट P&L अकाउंट जो भी आपके रेस्ट जो बचते हैं सारे जगह आपको इसका इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन GSTR3B और 2 में नहीं पड़ेगा। ये करेंगे तो ही आपको इसका इफेक्ट GSTR3B और 2 में पड़ेगा। तो देखिए आपको करना क्या होगा, जर्नल वाउचर में आना होगा।
अगर आप विदाउट जीएसटी एंट्री करना चाहते हैं, यानी जो टैक्स का अमाउंट है वो आप कैपिटल गुड्स में शामिल करके एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको स्टेट एडजस्टमेंट पर क्लिक करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ जे। आप इस पर क्लिक करेंगे या अल्ट जे प्रेस कर लेंगे इस स्क्रीन पर आके, उसके बाद जीएसटी रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और यहाँ पर अदर्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी कई ऑप्शन आते हैं, आप चाहें तो अगर आपको कोई और रिलीवेंट लगे तो वो आप ले सकते हैं। मुझे अभी और कोई ऑप्शंस नहीं समझ में आए तो मैंने इसीलिए यहाँ पर अदर्स ले लिया है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल जो है गुड्स के लिए दिया हुआ कैपिटल क्रेडिट ड्यू टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, अगर आप जो कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए तो आप उसे ले सकते हैं। फिलहाल मुझे ज्यादा डीपली नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने अदर्स लेके इसे इस तरीके से एंट्री कर ली है। यहाँ पर लैपटॉप ले लिया, वही जो लैपटॉप का लेजर है वो लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू जीएसटी के साथ है, यानी 10,000 लैपटॉप की वैल्यू थी और 1,800 रुपए आपकी जीएसटी है, 900 सीजीएसटी, 900 एसजीएसटी, तो टोटल यहाँ पर 11,800 हो गया। उसके बाद परचेज का जो लेजर है वो ले लेंगे, और उसके बाद जैसे मैंने समझाया कि एक विंडो ओपन होगी, वहाँ पर क्वांटिटी और आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का ये जो लेजर है वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके सामने इस केस में एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको रेट डिफाइन करना है, तो सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% वो डाल देंगे, टैक्सेबल वैल्यू 10,000 है वो डाल देंगे, उसके बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका इफेक्ट आपको सारे जगह पड़ जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो देख लीजिए कहाँ पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। बैलेंस शीट में आ जाइए, यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में देखिए, आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस 9,000 से 7,200 हो चुका है, 7,800 घट चुका है। ये आपका एज इट सेम है क्रेडिटर, आपका स्टॉक भी सेम रहेगा एज इट जैसे था। लैपटॉप आपका यहाँ पर 11,800 रिफ्लेक्ट होगा, पहले 10,000 हो रहा था। P&L अकाउंट में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें एज इट है जैसे पहले था। इसके बाद आपको अगर आ जाइए आप स्टेचुरी रिपोर्ट्स की बात कीजिएगा, तो 3B मैं दिखा देता हूँ, 2B आप देख सकते हैं, लेकिन 3B देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। मेन आपको 3B से मतलब होता है, 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सप्लायर की होती है, इसीलिए आप 3 को ही देख लीजिए, यही सफिशियंट है। मैंने ऐसे देख रखा है, वहाँ पर भी घट चुका है 7,200 रुपये, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर 9,000 रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि आपने कैपिटल गुड्स को विद जीएसटी ले लिया है, आप डायरेक्ट उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ 7,200 दिखाई दे रहा है। तो आपको फ्रेंड्स ये एंट्री समझ में आ गई कि किस तरीके से करनी है। अब मैं यहाँ पर जो फर्स्ट व्यूअर है उनके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसके बाद ये मैं बताऊंगा कि अगर मानकर चलिए आप अपने बिजनेस में से कोई स्टॉक को अगर आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है। जैसे मानकर चलिए आपका लैपटॉप का बिजनेस है और आप एक लैपटॉप अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी लॉ क्या बोलता है, और आपके पास एक प्लानिंग भी होती है, उस प्लानिंग के थ्रू भी किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने जर्नल वाउचर में जो एंट्री की थी स्टॉक में से कैपिटल गुड्स को निकालने की, उस एंट्री को मैंने डिलीट कर लिया है। अब मैं फर्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो हालांकि उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन पूछा था साथ में उन्होंने खुद भी आंसर दिया था और उनका आंसर करेक्ट था, मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया है, लेकिन हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जिनको इस क्वेश्चन पे डाउट हो, तो वो क्लियर मैं इस वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ और भी लोगों के लिए। तो देखिए उनका क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। उनका क्वेश्चन ये था कि उनकी अर्निंग दो जगह से, एक सैलरी से एक बिजनेस से, और वो सैलरी की इनकम से बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो चाह रहे हैं कि एंट्री वो किस तरीके से करेंगे टैली में। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि अगर आप भी ऐसा कोई एंट्री करना चाहते हैं, तो मानकर चलिए आपकी इनकम सैलरी से नहीं है लेकिन आपके पास जो आपने बिजनेस में पूंजी लगाई है उसके अलावा भी आपके पास कुछ पूंजी बची हुई है, और आप उस पूंजी से यानी उस कैपिटल से अपने बिजनेस के लिए कोई कैपिटल गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको जो कैपिटल गुड्स परचेस करना होगा फार्म के नेम से करना होगा। सबसे पहली बात आप ये याद रख लीजिए, उसके बाद ही एंट्री की तरफ आप दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले आपको फार्म के नेम से वो कैपिटल गुड्स परचेस करना होगा, पर्सनल नेम से नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एंट्री में दो तरीके से बताऊंगा, एक विथ जीएसटी एक विदाउट जीएसटी। विथ जीएसटी में आपको कैसे एंट्री करनी है, जर्नल वाउचर में आना है, इस केस में रिसिप्ट में एंट्री नहीं हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि कैश रिसीव नहीं हो रहा है आपको एज ए कैपिटल, यहाँ पर आपको एसेस्ट रिसीव हो रहा है एज ए कैपिटल। यहाँ पर जर्नल वाउचर में हम लैपटॉप का जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो लेंगे, डेबिट करेंगे, वैल्यू डालेंगे 10,000। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि टैक्सेबल वैल्यू 10,000 है। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,900 रुपये, एज इट आपको पता ही 18% जीएसटी मैंने सेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो कैपिटल है उसका लेजर हम ले लेंगे 11,800 फाइनल अमाउंट। एक एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं, एक एंट्री अगर मानकर चलिए आपको इनपुट वगैरह नहीं लेना है तो आप नॉर्मल एंट्री करना चाहते हैं तो डेबिट करेंगे लैपटॉप को फाइनल वैल्यू विथ जीएसटी 11,800 और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को 11,800। इसका इफेक्ट क्या होगा ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में आ जाइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं
फिक्स्ड एसेट्स की जो पहली एंट्री थी वो मैंने डिलीट कर दी है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। यहाँ पर देखिए 11,800 का एक आपका लैपटॉप दिखाई दे रहा है आपको, कैपिटल के नाम से है लेकिन बाहर में आपको लैपटॉप दिखाई दे रहा है, और एक 10,000 का जो अभी दो एंट्री मैंने रिसेंटली की है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका जो करंट एसेट है यहाँ पर ये 50,000 हो गया, क्योंकि हमने जो एंट्री डिलीट कर दी तो वो जो स्टॉक था रिवर्स हो गया, क्योंकि हमने 5 पीस कंप्यूटर परचेज किए थे फर्स्ट केस में 10,000 इच। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वहाँ पर 9,000 था जो परचेजिंग हुई थी लैपटॉप की, लेकिन हमने यहाँ पर 1,800 की GST इंक्लूड की है एक एंट्री के अंदर, 900 रुपये CGST और 900 रुपये SGST करके, तो यहाँ पर आपको 1,800 इंक्रीज हो चुका है। क्रेडिटर सेम है एज इट जो था। आपका कैपिटल भी 23,600 है, ऊपर में आप देख सकते हैं। P&L अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ आप आके देख लीजिए स्टेचुरी रिपोर्ट्स। यहाँ पर हमने क्योंकि सिर्फ एक एंट्री के अंदर GST को इंक्लूड किया, बाकी एक एंट्री से GST को इंक्लूड नहीं किया था, नॉर्मल एंट्री की थी तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें हमने GST को इंक्लूड किया उसका इफेक्ट पड़ेगा आपको 3B में। यहाँ पर 10,300 आप देख सकते हैं, पहले 9,000 थे। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं अपना पर्सनल जो मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स अभी जो मैंने एंट्रीज की थी, दो एंट्री की थी मैंने कैपिटल गुड्स की, जो इंट्रोड्यूस किया था लैपटॉप उसे मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं आपको जो मेरा क्वेश्चन था खुद का क्वेश्चन वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसका सॉल्यूशन क्या है, कि अगर आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई स्टॉक निकालते हैं, यहाँ पर मैं लैपटॉप का केस लेके चल रहा हूँ, आप किसी और केस में भी इसे समझ सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, फीचर में आना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है उसे आप इनेबल करेंगे तभी आप उस एंट्री को कर पाएंगे। आप अकाउंटिंग फीचर या इन्वेंट्री फीचर किसी में भी जा सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसे यस कर लेंगे, उसके बाद इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे या एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स इससे होता क्या है कि जब आप एंट्री करते हैं वहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो भी आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है, अदरवाइज आपकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं होती, इसीलिए उसे हमें एक्टिवेट करना होता है। अब आ जाइए हमें आना है सेल्स में, सेल्स का जो वाउचर है हमें उसमें आना है। यहाँ पर हमें कैश कर लेंगे, कैश भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स लैपटॉप एक पीस वैल्यू जीरो ही रहेगी, तो हमारा कैश भी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ रिसीव ही नहीं किया, ना हम यहाँ पर कोई टैक्स लगाएंगे CGST SGST कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो देखिए आप चलकर P&L अकाउंट, यहाँ पर देखिए वैल्यू आपकी घट चुकी है, 10,000 आपको लॉस रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो आपको इसलिए यहाँ पर लॉस रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आपका परचेज एज इट 50,000 है क्योंकि हमने बाकी जो एंट्रीज थी वो डिलीट कर ली है। अब बैलेंस शीट में आ जाएंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं घट चुका है यहाँ पर, लेकिन आपकी जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो सेम है। तो आपको बता दूं कि GST लॉ ये कहता है कि जब आप पर्सनल यूज के लिए अगर कोई गुड्स निकालते हैं, कोई स्टॉक निकालते हैं बिजनेस से, तो आपकी जो GST उसे आपको रिवर्स करना होता है, क्योंकि आपने अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया है। तो गवर्नमेंट की जो आप मानकर चलिए इनपुट जो है आप क्या करते हैं अपने आउटपुट में एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर तो आपका आउटपुट बना ही नहीं, तो आप इनपुट को लेस कर दीजिए, जितना इनपुट था उस गुड्स के ऊपर उसे आप लेस कर दीजिए। इसके अलावा अगर चोरी हो गया गुड्स या डैमेज हो चुका है, मान लीजिए आग वगैरह में जल गया, तो भी आपको ITC रिवर्स करनी होती है। सीधी सी बात जान लीजिए जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दिए हैं, चाहे खुद निकाले हैं या किसी और को दिए हैं, या अगर वो लॉस्ट हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, तो उसकी ITC आपको रिवर्स करनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर आपने आउटपुट तो कलेक्ट किया नहीं, आपकी ITC बनी हुई है उसे आपको रिवर्स करना होता है। इसकी एक प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग क्या होती है जिसमें कि आपको ITC रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी। वो प्लानिंग क्या है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एंट्री की, मैं आपको इसके जो रिवर्स की एंट्री वो मैं बता रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं अपने अलग अलग वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन मैं यह प्लानिंग सबसे पहले आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि अगर मानकर चलिए आप प्लानिंग करना चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद की फर्म से अपने लिए पर्सनल भले निकाल रहा हूँ लेकिन मैं बिलिंग करके निकालूँ, इसके लिए मुझे गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है कि आप अपने पर्सनल बिजनेस से अगर आप खुद के लिए कोई स्टॉक निकाल रहे हैं तो आप बिलिंग नहीं कर सकते। मैं खुद के नाम से बिलिंग कर सकता हूँ, मैं एज ए वहाँ पर कंज्यूमर बन सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कैश के बाद चाहूँ तो यहाँ पर बायर नेम दे सकता हूँ, अपना नाम लिख सकता हूँ, और नहीं भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उस केस में नहीं भी लिखूंगा तो दिक्कत नहीं, कैश भी रहने दे सकता हूँ। सिर्फ यहाँ पर मुझे अमाउंट के यहाँ पर जो है मुझे वैल्यू लगा देनी होगी, तो वैल्यू मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ, चाहे तो मैं जो कॉस्ट प्राइस है वो लगा सकता हूँ या इसके ऊपर प्रॉफिट भी ऐड करके लगा सकता हूँ। प्रॉफिट ऐड करके लगाने से क्या होगा कि मुझे गवर्नमेंट को जो आउटपुट के ऊपर जो
जैसे हम प्रॉफिट लगाते हैं उसके ऊपर हमारा आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होता है, जो डिफरेंस आएगा वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई करना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वही लगा देता हूँ 10,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर मैं आउटपुट CGST और SGST जो लेजर्स हैं वो लगा दूंगा, तो आपको यहाँ पर टैक्स उतनी कैलकुलेट होगी जितना आपने इनपुट दिया है, तो इक्वल हो जाएगा। आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको गवर्नमेंट से रिफंड मांगने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आपको रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब चलिए हम रिवर्स की तरफ चलते हैं कि हम रिवर्स की एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसकी एंट्री कैसे करनी है रिवर्सल ऑफ टैक्स की, आपको यहाँ पर जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करनी होगी और स्टेट एडजस्टमेंट में जाकर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट चूज करना होगा, उसके बाद अदर्स चूज करना होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको इसी वीडियो में। उसके बाद आपको यहां पर डेबिट करना होगा रिवर्सल ऑफ टैक्स नेम से, कोई भी आप एक नेम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप रिवर्स करेंगे उस टैक्स को तो वो आपके लिए एक तरह का लॉस है, क्योंकि आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एक तरह का लॉस है। जैसे कि आपका लैपटॉप गया तो वो भी आपका लॉस में ट्रीट हुआ, तो उसी तरीके से टैक्स जो आप क्लेम नहीं करेंगे तो वो भी आपके लिए एक लॉस है। तो एक लेजर क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। रिवर्सल ऑफ टैक्स या किसी भी नेम से जो आपको अच्छा लगे आप उस नेम से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस नेम से किया, रिवर्सल ऑफ टैक्स लॉसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस और GST वगैरह नॉट एप्लीकेबल रहेगी इसमें। 1800 देख सकते हैं जो GST थी मेरी एक आइटम के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर पूरी 1800 रुपये थी। उसके बाद उसमें इनपुट CGST और SGST 900 रुपये थी, वो मैंने क्रेडिट कर दिया है। यहाँ पर इसी तरीके से 9% रेट डाल देंगे, टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका इफेक्ट आपको सब जगह पड़ेगा, GSTR 3 में, GSTR 2 में भी पड़ेगा। इसके अलावा आपको P&L अकाउंट में पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको 1800 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बैलेंस शीट में पड़ेगा, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस 7200 हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है पर्सनल यूज के लिए, अगर आप स्टॉक निकाल रहे हैं बिजनेस से तो उसकी एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने ऑप्शन बताया कि आप सेल्स वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, या तो अमाउंट के साथ या विदाउट अमाउंट के साथ, मैंने बता दिया। लेकिन अगर आप जर्नल वाउचर में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको अमाउंट एंटर करना पड़ेगा। जीरो वैल्यू करने से भी आपको यहाँ पर बिना अमाउंट एंटर किए आप इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ड्राइंग का जो आपका लेजर है वो आप यहाँ पर डेबिट करेंगे, ड्राइंग अंडर कैपिटल अकाउंट बनता है ये लेजर। उसके बाद यहाँ पर 10,000 वैल्यू डाल देंगे विदाउट GST, जो कॉस्ट प्राइस है वो डाल देंगे, क्योंकि अभी आप यहाँ पर एक्चुअली सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेल करना होगा जिसमें प्रॉफिट ऐड करके करना होगा, तो सेल्स वाउचर का यूज करेंगे एज ए आइटम इनवॉइस मोड, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिना इसके प्रॉफिट के सेल करना है तो भी आप सेल्स वाउचर का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट में देना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में करने से क्या होता है कि आपको वहां पर लॉस रिफ्लेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। आप अगर मानकर चलिए बिजनेस से निकाल रहे हैं तो आप ये सोच के निकाल रहे होंगे कि मुझे बाजार से परचेज नहीं करना पड़े, मुझे किसी और को प्रॉफिट नहीं देनी पड़े, तो आप जो कॉस्ट प्राइस है कम से कम वो तो आप अपने बिजनेस को दे ही सकते हैं, जो भी उसको कॉस्टिंग पड़ी है। तो उस हिसाब से आप समझिए एक तरीके से आप अपनी बिजनेस से पूंजी को वापस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 की पूंजी निकल रही है, परचेज होगा क्रेडिट, लैपटॉप क्वांटिटी और उसकी जो कॉस्टिंग प्राइस है वो आप डाल देंगे। लेकिन इस केस में भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा अपनी ITC को, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपने आउटपुट में कुछ नहीं लगाया है। इस केस में भी आपने आउटपुट में कुछ नहीं लगाया तो आपको अपनी ITC रिवर्स करनी पड़ेगी। रिवर्सल की एंट्री कैसे करनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और सेल्स वाउचर का यूज किया है तो उस केस में भी आपको ITC को रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास दो केस ऐसे बचते हैं जिसमें कि आप ITC रिवर्स नहीं करेंगे, जिसमें से एक केस जो सबसे बेस्ट केस है कि आप अपने आपको बिलिंग करेंगे सेल्स वाउचर में और कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। आपको गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि आप कॉस्ट प्राइस में या फिर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस से कम अमाउंट में आप किसी को बिलिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनकम टैक्स में आपको 8% प्रॉफिट का रूल है कि 8% प्रॉफिट दिखाइए, 6% प्रॉफिट दिखाइए अगर आप ऑल ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू करते हैं, वहाँ पर जो ये रूल्स चलते हैं, तो अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑडिट करानी पड़ सकती है। लेकिन आपको गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है कि आप कम प्राइस में किसी को दे सकते हैं, ठीक है, आप ऑडिट कराइए। और फ्रेंड्स, वहाँ पर जो 8% या 6% की जो भी बात की जाती है कि आपको कम से कम इतनी प्रॉफिट दिखानी होगी अपने टर्नओवर पे, तो वहाँ पर टर्नओवर की बात होती है, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर इनवॉइस की बात नहीं होती है कि आपको इनवॉइस में भी 8% प्रॉफिट जोड़कर ही देना है, ठीक है। बहुत से लोग कम प्रॉफिट दिखाते हैं, 3% 4% पूरे टर्नओवर पे, तो वो ऑडिट कराते हैं सेक्शन 44 AB में। बहुत से लोग अगर प्रेजेंटिव बेसिस पर इनकम
टैक्स फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहाँ पर वो 8% 6% अपने टर्नओवर पे दिखाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन किस हिसाब से, कैश में है तो 8% दिखानी होगी, कैश और बैंकिंग मोड में है तो उसके हिसाब से रेशियो डिवाइड करेंगे, और सिर्फ 100% बैंकिंग मोड से है तो उस केस में 6% कम से कम दिखानी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी दिखा सकते हैं। तो चलिए हम उस बात को स्किप करते हैं। यहाँ पर जो मैंने बोला कि सेल्स के केस में जो आप अगर मानकर चलिए प्राइस टू प्राइस सेल करते हैं, कॉस्ट प्राइस में ही सेल कर देते हैं अपने आप को खुद को, तो उस केस में क्या है कि आपको जो इनपुट CGST और SGST वहां पर आप लगाते हैं सेल्स इनवॉइस में, जर्नल वाउचर में आप नहीं लगा सकते क्योंकि इसे एज ए इनवॉइस नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आपकी जो इनवॉइस की जो सीरीज चलती है वो सेल्स वाउचर में चलती है, तो उसे आप रिटर्न में भी दिखा सकते हैं कि आपका B2C कितना सेल हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप इसे नहीं दिखा सकते तो यहाँ पर GST नहीं लगा सकते आप, लेकिन वहां लगा सकते हैं, तो वहां पर अगर आप लगाते हैं तो उस केस में आपको ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका इनपुट और आउटपुट सेम हो जाता है, तो जिसके कारण इनपुट आपका ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है, तो आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा मैंने बोला था कि प्रॉफिट ऐड करके भी आप इनवॉइसिंग कर सकते हैं, तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपकी जो GST कैलकुलेट होगी, तो उतना डिफरेंस आएगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो वो मैंने बोला था कि वो ऐसा कोई करना चाहेगा नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस सही है, लेकिन उसमें आपको ITC उसमें भी आपको रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।